ये क्या वसुधारा, कितने भी जन्म ले लूं तब भी मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी, ऐसा कहा था बद्री ने। और अब मुझे उसी से मोहब्बत हो गई है, मेरे दिल में वो बस गया है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे ऊपर बरसो ना। दोनों ही मुमकिन नहीं है, पानी भी नहीं और बद्री भी नहीं। क्यों, आखिर मुझ में क्या कमी है? वो भगवान के चरणों में रहना पसंद करता है। जब से उससे मोहब्बत हुई है उसकी हर पसंद अब मेरी है, अब बद्री भी पसंद है और बद्रीनाथ भी। ओहो, उसने मेरे दादाजी से वादा किया था कि वो मुझे बदल देगा। जल्दी से जाकर बद्री को कह दो कि मैं भगवान के सामने नमन करने के लिए तैयार हूँ, खुश हो जाएगा। अभी जाकर बताता हूँ। दया करना। दिखाई नहीं देता तुझे, नजरें कमजोर हैं क्या? आपकी भी तो नजरें हैं। है? देखा कैसे तोते की तरह जबान चला रही है? ये अमीर घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, दिमाग नहीं चलाती हैं, सिर्फ जबान चलाती हैं। क्या रे लड़की, चेहरा तो ऊपर वाले ने बहुत सुंदर बनाया पर बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुझे? मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता उससे तेरे को क्या मतलब? एक तमाचा दूं क्या? तमाचा लगाई लगा। अरे क्या रे? अरे क्यों लड़ रहे हो? देखो तो ये बेहुदा लड़की कितनी बदतमीजी कर रही है। हा? मुझे जलील करेगी। अरे, 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 अरे क्या कर रही हो, तुम इन्हें जानती हो क्या? ये बद्री के माता पिता हैं। अब लड़ो। इसे बिजली का झटका क्यों लग गया? इसे क्या समझती हो, ये बद्री से मोहब्बत करती है, आपकी होने वाली बहू। अब हाथ उठाओ। नमस्ते सासुमा। अरे देखो तो जरा, इतनी तहसीब वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, क्या परवरिश की है इसके बाप ने ऐसा। वैसे कितना माल है इसके पास? 5,000 करोड़। इतनी रकम सुनते ही सांप सुन गया। तो 5,000 करोड़ कितने होते हैं? आसमान से लेकर जमीन तक की सीढ़ियां लगा सकते हैं इतने पैसों में। अरे अरे कितनी धूप है, ये मोम जैसी बेचारी पिघल जाएगी। धोकर तो पहनना चाहिए था। बेटी हम जैसे अमीरों को धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। हमारे जैसे हम दोनों अमीर जो है रातों रात अमीर हो गए। क्यों ना बहुरानी जी। सासुमा सुनिए जी, गुरुजी ने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, कुछ समझ में आया आपको? क्यों बुलाया? अरे बद्री और इसकी शादी की बात करनी होगी ना। ऐसी बात है तो चलो। मोम की परी पिघलना नहीं, धूप बहुत है। किसे ढूंढ रही हो? बद्री। इधर जाओगी तो लव मैरिज होगी या नहीं कह नहीं सकते, पर इधर जाओगी तो अरेंज मैरिज जरूर होगी। आइडिया अच्छा है। जरा देखो तो अपनी बहुरानी को। वो तो है। आजा, मैं यही इंतजार करती हूँ, आप लोग जाइए। अच्छा, जाइए ना। नमस्कार स्वामी। नमस्ते गुरुजी। आओ गोविंद। आपने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था? तुम्हारे बेटे को लेके एक जरूरी फैसला किया, उसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा था ना वही बात है। फैसला क्या है? अमरनाथ को आतंकवादियों के हाथ से बचाकर बद्री ने मेरा नाम रोशन किया है। आपका शागिर्द जो है स्वामी जी, मेरी प्राचीन विद्या को तुम्हारा बेटा ही आगे ले जा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद बद्रीनाथ का वारिस वो बने। जो हुकुम स्वामी जी, वो आप ही का बेटा है। पर उसकी एक शर्त है, जो मेरा वारिस बनेगा उसे आज जन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। मतलब मेरा बेटा शादी नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। इतने सालों से तक्षशिला की रक्षा करने के लिए मैं, मेरे गुरु, उनके गुरु सब ब्रह्मचारी ही रहे। माँ बाप होने के नाते आप दोनों की सहमति चाहिए, सोच कर बताइएगा।
ये क्या हो गया जी? ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? हम अपने बेटे को भला ऐसे कैसे देख सकते हैं? इस मासूम का तो सोचिए। ये वक्त उस लड़की के बारे में सोचने का नहीं है, अपने बेटे के बारे में सोचने का है। शादी करना, परिवार बनाना इंसान ही नहीं पशु भी करते हैं, मगर तक्षशिला का वारिस बनना करोड़ों में एक की तकदीर में होता है। हमारा बेटा तकदीर वाला है, आंसू मत बहाओ। आपको इसे मन से स्वीकारना होगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हम राजी हैं गुरुजी। गुरुजी, एक बार अगर बद्री से पूछ लेते तो। वो मेरा शिष्य है, मेरी बात नहीं टालेगा। अलकनंदा, अलकनंदा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो प्रणाम करने वाली थी, कैसे करोगी? हाथ जोड़कर करोगी या जमीन पर लेटकर या फिर ऐसे गोल घूमकर? मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है। पर क्यों? तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? तब कहा था, अब मन बदल लिया है। ऐसा क्या हो गया है? मुझे जिससे मोहब्बत हुई है वो मुझसे दूर जा रहा है। तुम मुझे उसका नाम बताओ, तुम्हारे कदमों में ले आऊंगा उसे। उसका नाम है, मेरी बात नहीं डालेगा। जाने दो। तुम क्या बद्रीनाथ भी शादी नहीं करवा सकते? बस, इस पवित्र जगह के बारे में जानते ही क्या हो? कल अखंड ज्योति जलाकर 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजे बंद करने का शुभ दिन है। 6 महीनों तक मंदिर बर्फ से ढका रहेगा और 6 महीनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे तब भी अखंड ज्योति जलती हुई मिलेगी। सच कह रहे हो? बिल्कुल, हमारी धरती पर भगवान के होने का यही सबूत है, इसीलिए पूरी दुनिया माथा टेकने बद्रीनाथ मंदिर आती है। कल उस अखंड ज्योति को देखकर अपने मन की इच्छा मांगोगी और 6 महीने बाद उसी ज्योति के फिर से दर्शन करोगी तो जिसे चाहती हो उससे शादी हो जाएगी। वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त है, उस बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कमल रखने के बाद ही तुम्हें वो इच्छा मांगनी होगी। कहाँ मिल सकता है ये फूल? मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। नमस्ते सरकार। क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी बेटी को एक सड़क छाप लड़के से प्यार हो गया है और मेरी इज्जत पे बनाई है, उस लड़के को खत्म कर दो। आपके लिए 50 करोड़ रुपए लाया हूँ। ध्यान से सुन मिनिस्टर, आज तक मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया। गरीबों को बस्ती से हटाकर तेरे नाम जमीन करवाई, तुझे हुकूमत चाहिए थी दिलवाई, पर तुम भले ही अपनी जायदाद दे दो लेकिन प्यार के मामले में मैं हाथ नहीं डालता। नमस्ते सरकार। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया, उसके लिए माफ करना। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ इन अस्थियों को तुम कहां विसर्जन करना चाहती हो? मैं इंतजाम करवा देता हूं। इनके अंतिम संस्कार पर ही आपकी पत्नी की बेइज्जती हुई थी। क्या हुआ? आपने अपने ही शादी के मंडप से भागकर अपने पिता को बेइज्जत किया था, फिर आप मुझे क्या इज्जत देंगी? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मेरे मुंह से सासुमा लफ्ज नहीं सुन सकती। उसे खत्म कर दूं? उसे खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा क्या? अगर मैं अपने बेटे को ना रोकती तो वो उसे वही मार देता। उसका गुरूर तब टूटेगा जब मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ता उम्र गुलामी करवाऊंगी और उसकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूंगी। और इस बात को तुम कैसे अंजाम दोगे ये तुम पर है सरकार। वो है कहां? हेलो, बब्बन स्पीकिंग फ्रॉम हियर। अलकनंदा कहां है? यहां बद्रीनाथ में एक बद्री नाम का लड़का है, अलकनंदा को उससे। क्या मतलब?
अलकनंदा को उससे प्यार हो गया है। वो है कौन? उस लड़के के बारे में ज्यादा जानने के लिए 15 नवंबर का न्यूज़पेपर और मैगजीन देखें, बस वही दिखेगा। सुबह होने से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। विकी, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, पावर और राजनीति? नहीं, मोहब्बत। आज तक हमने जितने भी जुर्म किए पैसे के लिए किए, पावर के लिए किए, लेकिन पहली बार प्यार का सामना हो रहा है। मोहब्बत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें? तख्त तो ताज, सल्तनत सब बर्बाद हो गई। बद्री को खत्म करो और उसके बाद ये कंफर्म करना कि वो मरा है या नहीं। जिस्म को देखकर नहीं, धड़कन को देखकर। अगर वो जिंदा बचा तो अलकनंदा को लेकर मत आना, जाओ। ठीक है डैड। बद्री, यहाँ जानवर रहते हैं क्या? हाँ, बहुत रहते हैं। वैसे तो मुझे किसी भी जानवर का खौफ नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने से जाते हैं ना? मेरे कहने से जाने के लिए मंदिर के हाथी नहीं है, ये जंगली जानवर है। क्या? क्या नहीं, सवाल बहुत हुए, अब चलो। जरा संभल के, यहाँ गिरी तो चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। मैं क्यों डरूं? तुम मेरे साथ हो ना? ओफो, ये फूल बगीचे में नहीं खिल सकता था क्या? मुश्किल तुमने अब देखी कहाँ है, चलो। इससे भी बड़ी मुश्किल है, मुझसे शायद नहीं होगा। जल्दी करो। रुको ना। इतनी जल्दी हार गई? प्यार को हासिल करना है ना तो चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा? जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर तय किया है, वो भी बिना चप्पलों के, ऊपर से साड़ी भी पहनी है, और तुम मुझे पूरा जंगल घुमा रहे हो, मुझसे नहीं होगा। प्रेम कहानी अधूरी रहेगी, अपने प्यार को भूल जाओ। क्यों बद्री जी? क्या बात है? क्या हो गया, थक गए क्या? चलना पड़ेगा कहा था ना, चलना पड़ेगा। लेकिन उस तरफ नहीं चलना है, यहाँ जाना है। क्या? हाँ, इसके आशिक की तो किस्मत ही फूटी है। जरा संभल के, यहाँ सांप होते हैं। और कितना डराओगे? बाबा सुनिए। बोलो बद्री। वहाँ ब्रह्म कमल है क्या? वहाँ नहीं है, तुम्हें नीलकंठ पहाड़ के उस पार जाना होगा। ये गई काम से, चलो। अब बद्री, एक तरकीब है, उसे कहो जाकर फूल ले आए और फिर मैं अपने हाथ से चढ़ा दूंगी, ठीक है ना? भूख लगेगी तो अपना खाना खाओगी या किसी और का छीनोगी? मोहब्बत तुम्हारी है, शादी तुम्हें करनी है, तो फूल भी तुम्हें ही तोड़ना और तुम्हें ही लगाना है, चलो।